मंगलवार को 4 बजे दिन से पूरा जिला ठप कर दें। जितने भी टावर हो गए, 15.5 साल सुपर हो गए, इस 15 साल के दरमियान में किसी का साइड का बैटरी का प्रॉब्लम है, किसी का डीजी के बैटरी का प्रॉब्लम है, सारा सामान हम लोग को गार्ड की एक नौकरी मिली थी, जो कि टावर के जो प्रांगण है उसमें अभी आप देखिएगा कि गार्ड रूम ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। वो वोडाफोन की साइड थी, वोडाफोन क्या किया कि ATC को दे दिया। अब ATC का कहना यह है कि हम आपको गार्ड नहीं रखेंगे, ठीक है, गार्ड का कोई 3 मजदूर का हिस्सा हम लोग से काम लिया जा रहा है। हमारा मजदूरी 36,450 रुपया प्रत्येक महीना होना चाहिए, और कंपनी हमको दबाव देती है कि बाबू तुमको जो है अब हमारा जरूरी नहीं है, हम तुमको नहीं रखेंगे, उग्र रूप लेंगे, माना अस्थाई इसको बंद करेंगे। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो इसको बंद करेंगे, ठप करेंगे, टावर को सब बंद करेंगे 28 तारीख को। हमसे जो टकराएगा, बिहार राज्य मोबाइल टावर यूनियन कमेटी के सदस्य के द्वारा धरना प्रदर्शन निकाला गया। चलिए जानते हैं किस वजह धरना प्रदर्शन निकाले हैं, आप लोग किस वजह से रोड पाए, क्यों धरना प्रदर्शन निकाले? आज बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन के जो हम लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, ATC कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है वो बिहार में आकर भारत में आकर फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। हम लोग को न्यूनतम वेतन मान नहीं दिया जा रहा है, 24 घंटा ड्यूटी लेकर हमको मात्र 7,7200 रुपये सैलरी दिया जा रहा है, 24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है, उसके बाद हमको गाड़ी गलौज ऊपर से किया जा रहा है, जब आपको इसमें करना करिए हटा देंगे। विगत 15 साल से हम लोग टावर में कार्यरत हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद हमको जबरदस्ती यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सी कंपनी के टावर में? ये ATC कंपनी की टावर है, जिसमें वोडाफोन, आइडिया, जियो ये सब कंपनी का शेयर लगा हुआ है, एयरटेल सब कंपनी का लगा हुआ है। विगत 15 साल से कार्यरत हम लोग हैं, वो जबरदस्ती मनमानी करता है, PF नंबर दे दिया है लेकिन उसको लागू नहीं किया है, SI नंबर दिया है, उसको कोई सुरक्षा मेडिकल सुरक्षा अभी तक नहीं मिल रहा है, न्यूनतम वेतन मांग जब डिमांड करते हैं तो हमको हटाने की धमकी देता है। इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, ये मंगलवार को 4 बजे दिन तक अगर हमारा कार्य नहीं मांगा, 4 दिन का हम अल्टीमेटम देंगे, धरना प्रदर्शन के माध्यम प्रशासन को देंगे, ATC कंपनी को देंगे, उसके बाद अगर हमारा डिमांड नहीं मानेगा तो मंगलवार को 4 बजे दिन से पूरा जिला ठप कर देंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार चौधरी हुआ। हम लोग को एक मोबाइल टावर कंपनी के द्वारा विगत 10 वर्षों से कार्यरत में रखा गया है, और अब भी बिना कोई काम किए टावर कंपनी के द्वारा हम लोग को प्रेरित किया जाता है। भारत सरकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति 8 घंटा ही काम कर सकता है, लेकिन मोबाइल टावर कंपनी के द्वारा हम लोग को 24 घंटा काम लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कभी उस हटाने की धमकी दिया जाता है। अगर बैटरी भी नहीं है, मॉड्यूल भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, जिसके कारण अगर साइट डाउन होती है तो हम ही को गाली गलौज किया जाता है। अतः बिहार सरकार से हम लोगों की DM के ज्ञापन दिया जाएगा, उनके द्वारा मांग जो हम लोग का है उनको शांतिपूर्वक हम लोग यहां से प्रदर्शन करेंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे। आपका क्या नाम है? अजय शंकर कुमार। लोग क्यों मतलब धरना प्रदर्शन निकाला? धरना प्रदर्शन का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि एक तो 24 घंटा ड्यूटी हम लोग करते हैं, वेतन नहीं मिलती है, वेतन 7,000 में कैसे 24 घंटा ड्यूटी करेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जितने भी टावर हो गए, 15.5 साल सुपर हो गए, इस 15 साल के दरमियान में किसी का साइड का बैटरी का प्रॉब्लम है, किसी का डीजी के बैटरी का प्रॉब्लम है, सारा सामान क्षतिग्रस्त हो चुका है, और उसमें से कंपनी का दबाव रहता है कि आपको कैसे भी हो अपना रुपया लगा के आपको चलाना है, नहीं तो आप लोग को हटा देंगे, साइड ग्रीन कर देंगे। आज हर हर महादेव चौक से हड़ताली चौक तक यह प्रदर्शन होगा। आप सुने क्या जा रहा है, 24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है और मात्र 7,100 या 7,200 मिलता है, तो निश्चित रूप से न्यूनतम वेतन मान जो होना चाहिए 8 घंटा ड्यूटी का 24 घंटा वाला मिलना चाहिए। और कितना होना चाहिए सैलरी बोलिए ना, कितना न्यूनतम वेतन मान जितना होता है उतना मिलना चाहिए। 2011 में हम लोग के यहाँ टावर लगाए,
उसमें हम लोग को गार्ड की एक नौकरी मिली थी, जो कि टावर के जो प्रांगण है उसमें अभी आप देखिएगा कि गार्ड रूम ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। वो वोडाफोन की साइड थी, वोडाफोन क्या किया कि ATC को दे दिया। अब ATC का कहना यह है कि हम आपको गार्ड नहीं रखेंगे, ठीक है, गार्ड का कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग तो पहले भी गार्ड का पेमेंट उठा चुके हैं और गार्ड का वहाँ रूम भी बना हुआ है और 24 घंटा हम लोग से ड्यूटी लिया जा रहा है। रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, किसी भी टाइम हम लोग को फ़ोन आ जाता है कि आप उठ करके साइड को देखिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग का शोषण अब चालू हो चुका है। शोषण में क्या है कि वो लोग जो है सो कहने मतलब हम लोग का पेमेंट रोक दिया है तनख्वाह, और उसके बाद धमकी पे धमकी देता है कि तुमको जो है सो कहने मतलब गार्ड में अब नहीं रखेंगे, गार्ड हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, और तुम अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तत्वावधान में हम लोग जो है सो आज यहाँ से आंदोलन का जो है सो रूपरेखा। कितना साल जॉब किए? हाँ, हम लोग लगभग 11 साल जॉब। जो सरकार का भी न्यूनतम वेतनमान है उसको लागू किया जाए, वो तो वही तय करेंगे कि हमारा न्यूनतम वेतनमान क्या होना चाहिए। तो फिर तय करेंगे, उत कहेंगे तो 1700 देंगे, तो फिर आप बोलिएगा ना कितना आपको चाहिए, क्या मांगा आप? उनके कहने से नहीं होगा, सरकार का जो न्यूनतम वेतनमान है उनका तो तय होना चाहिए ना। आदमी का जो हो रहा है ना, तो 12 गुना 36,000 रुपया हम लोग का मंथली होना चाहिए न्यूनतम वेतन, ठीक है ना, 36,000 होना चाहिए। 24 घंटा हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे 3 मजदूर के हिसाब हम लोग से काम लिया जा रहा है। हमारा मजदूरी 36,450 रुपया प्रत्येक महीना होना चाहिए, और कंपनी हमको दबाव देती है कि बाबू तुमको जो है अब हमारा ज़रूरी नहीं है, हम तुमको नहीं रखेंगे, अपना वो व्यवस्था कहता है देख लो, अब कहाँ जाएंगे हम, 15 बरस से उनके अंदर काम कर रहे हैं, 15 बरस से हमको लगातार शोषण कर रहा है। तो हम लोग इसीलिए नाराज होकर आज जो है सो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसमें सफलता मिलती है नहीं तो हम इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। मना अस्थाई इसको बंद करेंगे, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो इसको बंद करेंगे, ठप करेंगे, टावर को सब बंद करेंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को पूरा बिहार का टावर बंद कर दीजिए? जी, पूरा बिहार नहीं, बेगूसराय जिला। जी। आपका क्या नाम हुआ? नंद किशोर सिंह, हम डुमरी टावर के गार्ड हैं। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बैटिक प्रॉब्लम है और समस्या है जो उसको ठीक नहीं करता है, और ATC जो है अपनी मनमानी के अनुसार काम करवाना चाहती है। टावर से रिलेटेड मेंटेनेंस नाम पर 0 काम कर रही है, वेंडर कंपनी के द्वारा, मुख्य कंपनी ATC के द्वारा गार्ड समुदाय के लोगों पर दबाव डाला जाता है कि शायद आपको चलाना है तो चलाइए, नहीं तो घर जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। और 15 साल से बिहार सरकार, भारत सरकार की नीति ऐसी नहीं है कि 15 साल से कोई अगर किसी फर्म में काम कर रहा है तो उसको ट्रेन पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए। सभी लोग पारिवारिक जिंदगी से जुड़े हुए हैं और उसको छत बिछत करने की कोशिश मुख्य कंपनी और वेंडर कंपनी के द्वारा की जा रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है।